उपस्थिति है और इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस के साथ और बाद में थोड़ी चर्चा इकोनॉमी पर भी करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है मोदी गवर्नमेंट की तीसरी पारी में खेलते हुए? ऑपोजिशन तमाम बातें कर रहा है, कह रहा है कि ये कोएलिशन की सरकार है, तो क्या इस सरकार में निर्मला सीतारमण बोल्ड रिफॉर्म्स कर पाएंगी या नहीं? बोल्ड रिफॉर्म्स बिल्कुल कर पाएंगे और ये सरकार 100 दिन कंप्लीट भी हो गया। कोई भी अप्रिहेंशन का आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले अच्छा जनता के लिए स्कीम्स हो या सिस्टमिक रिफॉर्म्स हो, वो सब बिल्कुल चलेगा। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, इस सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं इन 100 दिनों में? पहले भी बहुत बातें हुई थी, 100-day एजेंडा भी बना था, क्या क्या अचीव कर पाए हैं अभी तक आप लोग? अब सीधा ले देख लीजिए ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के विषय में ही जी, आप ओपीएस एनपीएस डिबेट, ओपीएस एनपीएस के डिबेट अभी मूव होकर के यूपीएस एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव आ गए, जिसको पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ यूनियंस वेलकम कर चुके हैं। मैं उनको पूरे मन से धन्यवाद भी कही पार्लियामेंट में ही बजट सेशन में। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द यूपीएस हैज कम आउट, जिसको हर वर्ग वेलकम ही किया है। सो एकदम सीरियस और सेंसिटिव मामला, जिसके ऊपर आने वाले 20 साल का स्टेट और सेंटर के फाइनेंसेस के ऊपर सीरियस असर पड़ने वाले विषय है जी, उसका अच्छा सा सॉल्यूशन हमने निकल कर दिया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत गांव-गांव से जो छोटे छोटे कामगार होते हैं, जो छोटे टूल्स के साथ उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं, 18 ऐसे ट्रेड्स को उसमें लिस्ट किया गया है, उन सबको चुन चुन करके 2.2 करोड़ का एनरोलमेंट हुआ है जी। और प्रधानमंत्री जी पहला हिस्से में जितने भी लोग को देना है वो स्कीम का शुरुआत, जिसमें ट्रेनिंग भी होगा, पूरे किट भी देंगे, वो ट्रेनिंग के समय हर दिन 500 रुपया भी उनको दे रहे हैं। ऐसे अंत्योदय के दृष्टि से जो हमारे पिछले 10 साल में एक्टिवली स्कीम्स आया था वो भी चल रही है विश्वकर्मा की योजना से। और बजट में मानती हूं वो 5 ऐसे ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स हमने ले आए, जिससे 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाले हैं 5 साल के अंदर, उसको हम रोल आउट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लघु उद्योग के लिए हमने 8 ऐसे स्कीम नहीं बोलूंगी, रिफॉर्मेटरी स्टेप्स ले आए, जिसके वजह से उनको बैंक से अच्छा बिना कोलैटरल लोन मिलने का हमने फंड भी क्रिएट किया। और अब तक हमारे देश में एमएसएमई का मेन प्रॉब्लम यही था कि वर्किंग कैपिटल तो मिल रही है बैंक से, मगर हमें बड़े इंडस्ट्री जैसे टर्म लोन नहीं मिलता है, जिसे हम प्लांट एंड मशीनरी का भी इन्वेस्टमेंट बैंक से ले पाएंगे जी। उसको भी हमने बिना कोलैटरल आज टर्म लोन देने के लिए व्यवस्था बन चुके हैं, जो बजट स्पीच के दौरान भी आए जी। ऐसे बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी हर एक को मिलने के लिए, उनका रिटेल लोन हो, पर्सनल लोन हो या ऐसे बिजनेसेस का लोन हो, उन सब का सुविधा भी हमने घोषणा की। क्या इस तीसरे कार्यकाल में, क्योंकि आपकी कोएलिशन सरकार है, क्या आपके ऊपर कुछ दबाव है? इस बार बजट बनाते वक्त निर्मला सीतारमण क्या सोच रही थी? आपने बिहार के लिए और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के लिए सॉब्स भी दिए हैं,
आप सर, आपने फार्मर शॉप के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तो क्या पहले से कुछ फर्क हुआ है, कुछ बदलाव आया है कि इस तरह का भी एक रोल बैक सरकार का भी आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ करते हैं फिर रोल बैक कर देते हैं, तो किसी तरह का कोई दबाव है क्या? मैं ये समझना चाह रहा था। मुझे नरेटिव सेट करने वाले और उसके आगे बढ़ाने वाले उसमें एक आध मीडिया के लोग भी हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस बात को। मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एजेंडा सेट करने वाले तो पूरे उनके परफॉर्मेंस हाई लेवल पर है। नरेटिव सेट करो फिर सरकार उसको एक्सप्लेनेशन करते जाएगी या डिफेंड करते जाएगी, ये तो चल रही है और बेबुनियाद बहुत सारे नरेटिव आ रही है। इसमें ये एक यू टर्न का मामला भी हुई है जी। यू टर्न कहां हुआ? मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूं। जब हर बजट के समय पर पिछले 5 बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, टैक्स एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आकर के ट्रेजरी अमेंडमेंट्स हम करते थे, जिससे मुझे याद है, बिल्कुल याद है, एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है, अभी बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकेंड सेशन शुरू हो रही है बजट का, उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं जी। मैं डिफेंड भी किए, अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं, सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं। ये इंडेक्सेशन के मामले में, कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद, ऑल्दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए जी, हर असेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था, मगर जब सुझाव आए हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा जी। और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए, क्योंकि हर एक असेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो। ये थोड़ी ना यू टर्न है। नो, गवर्नमेंट हैज यू टर्न, दिस इज नॉट यू टर्न। आई एम अकोमोडेटिंग द सजेशन विच इज कम फ्रॉम पीपल उनके बेहतरी के लिए। सो इसमें यू टर्न का नैरेटिव हमारे ऊपर डालने वाले से मैं पूछना चाहती हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है यू टर्न का? इसीलिए उस नैरेटिव को आई रिक्वेस्ट द मीडिया, आप भी आगे बढ़ाना है तो समझ लीजिए पहले उसमें सच्चाई है कि नहीं, नहीं तो बढ़ाना बंद करिए। नहीं, इंडेक्सेशन वाला अप्रिशिएट भी बहुत किया गया। एक चीज ये समझने की कोशिश है कि और जो बोल्ड रिफॉर्म्स है जैसे वन नेशन वन पोल जो कि प्रधानमंत्री ने जिसके बारे में बात की है, क्या इसको आप आगे बढ़ा पाएंगे इस सरकार में? इसमें कंसल्टेशन पूरे हो चुका है जी। और इसमें ये भी है, जनता मान रही है कि खर्च इतना हो रही है, साल भर हो रही है, हर राज्य में हो रही है, पंचायत के स्तर पर हो रही है, फिर भी इन सब का असर दूसरे एक विषय है जिसमें हम सब ध्यान देना चाहिए। हर चुनाव के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक, रिजल्ट आने तक कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस एरिया में नहीं हो पाता जी। देन यू सीक परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, ये प्रोजेक्ट तो पहले से है इसको चलने दीजिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक और हिस्सा बन जाता है। इसलिए ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का रुकावट बार बार होना और हर चुनाव का उनके स्तर पर खर्च उठाना, ये सब नेशनली अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है जी। इसीलिए वो आइडिया का इनपुट इतने सारे और एक उच्च स्तरीय कमिटी के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति जी के कमिटी, सुझाव आए हैं, जरूर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार कमिटेड है, इसको आगे लेकर जाएगी, देश के हित में जरूर करना ही है। एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस की भी बात ऑपोजिशन ने बहुत की थी चुनाव के समय में, सरकार का क्या मत है इस पर? इसमें पहले से हम बोल रहे हैं और बजट के समय में हम उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ है, इस विषय से मैं ताल्लुक नहीं रख रही हूं अभी जी। सिर्फ इसीलिए मैं बोल रही हूं, बजट के द्वारा, इंटरिम बजट के द्वारा
हमने स्पष्ट ये बात बोले, चार ऐसे कास्ट है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, किसान, गरीब, महिला और युवा। सो इन चारों को हम अगर प्रोत्साहन देंगे, इसमें हर जाति शामिल है, हर जाति को आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते पर चलने में हम उस नजरिया से डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देंगे, ना कि डिविशन बिटवीन वन कैस्ट एंड अनदर। इस रास्ते पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट ऑन अकाउंट बजट में ही हमने इसका स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है जी। I'll ask you a few questions on the economy since I have you captive today. The GDP growth in Q1 at 6.7%. My question is the economy slowing down? You know, it's easy to catch every month or every quarter's figure and say it's not 7, it's not 8. And then the reason for 6.7 had also come out. The chief economic advisor has also mentioned that because of elections, the capital expenditure which was announced, 11 lakh crores, slightly over it, didn't find much of an expenditure happening in the quarter one because every department was probably looking at post-election time. As a result, the large chunk of influence or impact which could have been had because of the public expenditure was muted. That's right. And therefore, to that extent, it shows in the quarter one numbers. But subsequently, quarter two and quarter coming, I mean, we are in the third quarter, the expenditure will pick up and that will, I suppose, trigger the little slowing down that you suspect to move faster. You know, India remains one of the fastest growing economies of the world. Given right now that, you know, there is some soft GDP growth and the inflation is also moderate, do you think there is a case for monetary easing? I'm asking for your view. Yes, my view being said here will become finance minister expects RBI to bring it down. I don't want to add to that. RBI is doing its full analysis and taking a call. And therefore, I expect them to look at the economy as a whole, both for growth and for inflation. You know, it's election season. We have 4 state elections coming up. I wanted to ask you a question around freebies. How concerned, how worried are you about political parties promising freebies? You know, the Prime Minister was the one who really took this up, spoke against the Revdi culture in a big way. But now I see that some of your governments are doing exactly the same thing. You know, in Madhya Pradesh, we had Lali Bahna. Now we have Subhadra that is being announced tomorrow in Odisha. Then again in Maharashtra. How dangerous is this trend? And what is your message of fiscal prudence to the states? Look, let me be clear. I've been saying this much before the debate on the Lok Sabha issues. Manifesto-related issues came up. Every state and the center will have to look at the work which is capable of being undertaken by every government, meaning center, any party aspiring to get to the center or aspiring for state government's positions, will have to understand what that budget is capable of taking up. Will that state be in a position to undertake its developmental activities plus all the freebies and get it funded through the budget in the assembly, get it clear in the assembly or in the parliament, and then announce schemes? Now what I find is when offerings are made, freebies are given for temptation, and then when states struggle to implement them because they don't have the resource, they don't even have ways in which they can increase their revenue, then comes the problem. Classic example is of Karnataka and Himachal Pradesh, where even without doing their homework, they gave a lot of promises. Look at what has happened between the two states. In Himachal Pradesh, what is the halat? And this is not because I'm sitting as a BJP member or currently in the central government. The state government themselves have been saying that they are just not able to cope with it. Yeah, they can't pay salaries. They can't, Himachal and they were going to pay OPS.
pension, old pension scheme. They are not able to pay current salaries. They offered to go through the OPS back again. And Karnataka, unbelievable number of promises. And today the state government, the chief minister's advisor and one of the chief minister's assistant and the deputy chief minister, all of them said, no, we can't undertake developmental activities. Now, what is that? Are we being responsible?